नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न यानी कि टॉरस एसेंडेंट का अप्रैल 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग देखेंगे। अगर आपने वृषभ लग्न का मार्च 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। अगर इस भाव पे 2 नंबर लिखा हुआ है तो ये वृषभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो केतु आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, शनि मंगल आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु सूर्य और शुक्र आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और गुरु बुध आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, यहाँ लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए आपके मंगल की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है 15 मार्च 2024 से और ये पड़ने वाली है 22 अप्रैल 2024 तक। तो यहाँ पे देखिए 15 मार्च से 22 अप्रैल के बीच में आपको क्रोध ज्यादा आएगा, तो आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है। और आपके लग्न के स्वामी देखिए यहाँ पे आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं 31 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल तक। तो 31 मार्च से 23 अप्रैल तक आपका फोकस आपके इनकम को लेकर के रहने वाला है। आपके बड़े भाई बहन अगर है तो उनको लेकर के रहने वाला है, आपके दोस्तों पे आपका फोकस रहेगा। और वहीं जब आपके लग्न के स्वामी आपके 12वें भाव में 24 अप्रैल को विराजमान हो जाएंगे तो 24 अप्रैल से आप खुद पर खर्च करेंगे। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ने लगी 23 अप्रैल से, क्योंकि देखिए जो गोचर वाले ग्रह होंगे ना तो उसकी दृष्टि योग का जब पड़ेगा तो देखिए यहाँ पे सर्कल वाला मार्किंग कर देते हैं। जैसे मंगल का देखिए गोचर 23 अप्रैल को हो रहा है तो 23 अप्रैल को जहां जहां दृष्टि फिर बाद में बदल रहा है 23 अप्रैल के बाद, तो वहां पे सर्कल मार्किंग किया हुआ हैश और यहाँ पे मैंने मार्किंग्स भी कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि 23 अप्रैल से आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के जो स्वामी है आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। और यहाँ पे देखिए आपके दूसरे भाव में मंगल की दृष्टि पड़ने लगी 23 अप्रैल से, तो 23 अप्रैल से आपके परिवार वालों को क्रोध ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे विवाद के योग बन रहे हैं आपके 23 अप्रैल से आपके परिवार से, तो विवाद से आपको बचना है। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में भी विराजमान है 25 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक। तो 25 मार्च से 8 अप्रैल तक जो कि आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं आपके 12वें भाव में विराजमान है, तो हो सकता है आप अपने परिवार वालों के साथ कहीं बाहर घूमने को जाएं। और यहाँ पे 25 मार्च से 8 अप्रैल तक जो लोग भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, या फिर कोई भी फॉरेन से संबंधित प्रोजेक्ट उठा रहे हैं या कोई भी विदेश संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके लाभ के योग बन रहे हैं 25 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक। और जब आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में 9 अप्रैल को वक्री होकर के जा रहे हैं, तो 9 अप्रैल से लेकर के 10 मई तक आपके 11वें भाव में बुध विराजमान रहने वाले हैं जो कि आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पे आपके आमदनी से आपके धन की वृद्धि बुध कराने वाले हैं 9 अप्रैल से लेकर के 10 मई तक। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और आपका तीसरा भाव जो है वो कर्क का है जिसके स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा बैठे हुए हैं आपके 8वें भाव में। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है स्वयं के पराक्रम धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, पड़ोसी का होता है, डेली के प्रवास का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन हो गए, उनकी तबीयत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है 1, 2, 27, 28, 29 तारीख को। आपके पराक्रम में आप कमी महसूस करेंगे 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को। और वहीं जब चंद्रमा 16 और 17 तारीख को आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे जो कि चंद्रमा के ही घर में विराजमान होंगे, तो यहाँ पे आपका पराक्रम बढ़ाने वाले हैं 16 और 17 तारीख को। आपके छोटे भाई बहन अगर हैं तो उनका हिम्मत बढ़ाएंगे और उनसे आपको हिम्मत भी मिलेगी। और यहाँ पे 16 और 17 तारीख को आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनके साथ आपके संबंध में मजबूती भी लाएंगे चंद्रमा। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। और आपके चौथे भाव के स्वामी जो है वो आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है ना वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है।
तो यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से, तो आपके सुख में कमी लाएंगे। हालांकि देखिए आपके फरवरी से मार्च के बीच में शनिदेव अस्त थे, तो उस समय आपको थोड़ा सुख में जो कमी जो आपको आ रहा था उसमें आपको कुछ सुधार देखने मिला होगा, पर यहाँ पे आपके सुख में वापस से कमी लाने वाले हैं शनिदेव। और यहाँ पे देखिए आपके मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक, तो 15 मार्च से 22 अप्रैल तक माता को क्रोध ज्यादा आएगा, माता से मनमुटाव भी हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मनमुटाव तो आपका बढ़ने वाला है माता से, पर यहाँ पे आपका क्रोध भी आपको ज्यादा आएगा, तो कोशिश कीजिए विवाद से बचे। हालांकि देखिए यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा गुरुदेव आपके बैलेंस कर रहे हैं जो भी आपका मनमुटाव हो रहा है, पर यहाँ पे मनमुटाव होगा। जो लोग घर वाहन से संबंधित काम करते हैं उनके काम में उनकी परेशानियां तो चल रही होंगी, पर यहाँ पे देखिए आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है, तो जो लोग भी गाड़ी घर ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि फ्लैट का ब्रोकरेज कर रहे हैं, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, या फिर आपके कोई भी घर वाहन से संबंधित अगर काम कर रहे हैं, फ्लैट ब्रोकरेज का काम कर रहे हैं, घर को किराए पे लगाना, घर का किराया से काम चल रहा है, तो उनका कुछ लाभ अभी बन रहा है, खासकर जब सूर्य आपके 11वें भाव में 14 मार्च से लेकर के 12 अप्रैल तक विराजमान रहेंगे। और वहीं जब आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 13 अप्रैल से विराजमान होंगे, तो 13 अप्रैल से आपका आपकी माता पे खर्च बढ़ेगा, वाहन पे खर्च बढ़ेगा, सुख पे आप खर्च करेंगे, घर पे हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा कुछ काम निकले जिसपे कि आपका खर्च बढ़े। 5वें भाव में आपके केतु विराजमान है, और यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है। देखिए 5वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है, और यहाँ पे देखिए 5वें भाव में केतु विराजमान है, तो यहाँ पे आपके बच्चे हो गए या फिर प्रेम संबंध वाले में आपके प्रेमी हो गए, प्रेमिका हो गए, उनको आपको समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा होगा। ऐसा हो रहा होगा कि वे कुछ बोलेंगे, कुछ करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाई में थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि 5वें भाव में केतु विराजमान है, तो थोड़ा सा डेविएशन क्रिएट करते हैं, तो आपको थोड़ा सा पढ़ाई पे आपको फोकस ज्यादा करना है स्टूडेंट्स को। और यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है आपके 5वें भाव में, तो 5वें भाव में मंगल की दृष्टि आपकी जो पड़ रही है, तो आपके बच्चे या फिर प्रेमी प्रेमिका हो गए उनको क्रोध ज्यादा है, तो यहाँ पे आपको विवाद से बचना है, तो विवाद से आप बचे 15 मार्च से। और यहाँ पे आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है 25 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं उनका खर्चा बढ़ने वाला है। अगर आपके बच्चे पढ़ने वाले हैं तो उनका खर्च बढ़ेगा 25 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक। प्रेम संबंध में भी आपके प्रेमी या प्रेमिका पे आपका खर्च बढ़ेगा 25 मार्च से 8 अप्रैल तक। और जो स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए भी अभी फेवरेबल समय है 25 मार्च से 8 अप्रैल तक, अगर वे बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं तो उनके लिए अच्छा समय है। और यहाँ पे आपके जब 5वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में 9 अप्रैल को वक्री होकर के आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप का प्रयास कर रहे हैं 9 अप्रैल के बाद, उनके लिए अच्छा समय शुरू हो रहा है, वे प्रयास अपना बढ़ाएंगे तो उनको स्कॉलरशिप मिलेगा। जो लोग भी पढ़ाई से संबंधित काम कर रहे हैं ना, जैसे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया, टीचर हो गया, या फिर आपके ट्यूशन क्लासेस चला रहे हैं, या फिर आप कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपके लाभ के योग बन रहे हैं 9 अप्रैल से लेकर के 10 मई तक। और यहाँ पे देखिए आपके 6वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे फिर से वापस आपके देखिए गुरु की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है, और मंगल की दृष्टि पड़ने लगी है 23 अप्रैल से। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है, तो यहाँ पे देखिए आपके 6वें भाव में गुरु की दृष्टि पड़ने लगी, तो गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण 22 अप्रैल 2023 से आपके शत्रु बढ़े होंगे और आपको टफ कंपटीशन का सामना भी करना पड़ रहा होगा। यहाँ पे अब आपके मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है 23 अप्रैल से, तो 23 अप्रैल से आपके शत्रु हो गए, मामा मौसी हो गए, उनको क्रोध ज्यादा आएगा, तो उनसे कोशिश कीजिए कि विवाद से बचें। और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए 6वें भाव के स्वामी 31 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल तक आपके 11वें भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे 31 मार्च से 23 अप्रैल तक जो लोग भी मेडिसिन से संबंधित काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी सप्लाई, डॉक्टर, या फिर मेडिकल इक्विपमेंट से संबंधित काम कर रहे हैं, या कोई भी रोग से संबंधित काम कर रहे हैं, या फिर बैंक रिकवरी से संबंधित काम कर रहे हैं, तो उनके लाभ के योग बन रहे हैं 31 मार्च से 24 अप्रैल तक। और जब आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 24 अप्रैल को विराजमान होंगे, तो यहाँ पे देखिए आपका खर्च आप कम करेंगे 24 अप्रैल से,
और यहाँ पे आप अपने संघर्ष से भी सब कुछ हासिल करेंगे, क्योंकि शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में 24 अप्रैल से विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे आप अपने संघर्ष से भी सब कुछ हासिल करेंगे। हो सकता है कि आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर जो होते हैं उन पे आपका खर्च बढ़े 24 अप्रैल से, लेकिन वो आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पे खर्च कर करके भी आप अपने शत्रु या कॉम्पिटिटर का नाश करेंगे। सातवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि आपके सातवें भाव में पड़ रही है और आपके सातवें भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान है। देखिए सातवां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस भागीदार का होता है। देखिए सातवें भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है तो आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनसे आपके मन मुटाव हो रहा होगा 17 जनवरी 2023 से। हालांकि देखिए बीच में फरवरी से मार्च का महीना जब शनिदेव अस्त हुए थे तो आपका मन मुटाव कम हुआ होगा, पर यहाँ पे वापस आपका मन मुटाव बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आपके सप्तम भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान है, तो आपकी स्पाउस आपके काम में मदद करने वाली है 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक। आपका भागीदारी में अगर आप कोई काम कर रहे हैं, यानी कि अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनर है जिसके साथ अगर आप काम कर रहे हैं, तो वो भी आपको काम में मदद करेंगे 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक। और जब आपके सप्तम भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान होंगे 23 अप्रैल से, तो आपके अगर आप कोई काम भागीदारी में कर रहे हैं तो उनसे आपका लाभ के योग बन रहे हैं 23 अप्रैल से। अगर आपकी स्पाउस वर्किंग है तो उनके भी लाभ के योग बन रहे हैं 23 अप्रैल से, यानी कि उनका सैलरी इंक्रीमेंट होने वाला है 23 अप्रैल से। अष्टम भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और यहाँ पे देखिए आपके गुरु के घर में गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आपके अष्टम भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में बैठ करके विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं 22 अप्रैल 2023 से। देखिए आपका अष्टम भाव जो हो जाता है ना, वो हो जाता है आपके आयु जीवन मृत्यु अचानक धन लाभ ससुराल का हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपके अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान हुए 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को, तो यहाँ पे आपको थोड़ा डिप्रेस्ड आप फील करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को थोड़ा बहुत आपको मानसिक परेशानी हो सकती है, थोड़ा आप डिप्रेस्ड फील करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। हालांकि देखिए यहाँ पे गुरु की दृष्टि भी आपके गुरु के घर में पड़ रही है, तो आपके ससुराल वाले हो गए, उनके साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आपके आयु के लिए गुरु की दृष्टि अच्छी है और आपके अष्टम भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे गुरु द्वारा विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है जैसा कि मैंने आपको बताया। और आप खर्च कम करेंगे 22 अप्रैल 2023 से, क्योंकि देखिए यहाँ पे गुरु आपके 11वें भाव के भी स्वामी है, तो कहीं ना कहीं आपका खर्च आप कम करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपका जो भी आप कमाएंगे वो आपका खर्च हो जाएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। नवम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और आपके नवम भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान है। देखिए नवम भाव जो होता है ना, वो होता है आपके भाग्य धर्म जीजा साली साला छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो यहाँ पे देखिए नवम भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान है, तो आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, वे आपके लिए लकी रह रहे होंगे। यहाँ पे अगर आप मेहनत करेंगे खासकर 17 जनवरी 2023 से, तो आपको निश्चित तौर पर आपको सक्सेस मिलेगा, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि शनिदेव कुछ भी देते हैं तो मेहनत करा के देते हैं, आराम से नहीं देते हैं। तो आपको मेहनत तो आपको करना पड़ेगा और काम करते करते आप में रिलीजियसनेस भी बढ़ने वाला है 17 जनवरी 2023 से। दशम भाव में आपके शनि विराजमान है और शनि यहाँ अपने राशि में ही बैठ करके शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं और मंगल आपके विराजमान है 15 मार्च 2024 से लेकर के 22 अप्रैल 2024 तक। देखिए दशम भाव जो होता है ना, वो होता है आपके बॉस पिता काम ऑफिस का होता है। तो यहाँ पे देखिए शनिदेव आपके दशम भाव में विराजमान हुए थे, आप अपने काम पे मेहनत भी कर रहे होंगे 17 जनवरी 2023 से। और यहाँ पे देखिए आपके मंगल भी विराजमान हो जा रहे हैं 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक। तो 15 मार्च से 22 अप्रैल तक चूंकि यहाँ पे आपके दशम भाव में मंगल विराजमान हो जा रहे हैं, तो आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनके नेचर में एग्रेसिवनेस बढ़ेगा, उनको क्रोध ज्यादा आएगा, विवाद से बचना है, ऑफिस के माहौल भी बहुत ज्यादा गर्म रहेगा, तो इस समय को आपको एकदम शांतिपूर्वक निकालना है, कोई भी विवाद में नहीं पड़ना है। क्योंकि देखिए आपके 22 अप्रैल के बाद जब मंगल जब आपके 11वें भाव में विराजमान हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो आपके बॉस और पिता है ऑलरेडी आपके फेवर में है, तो विवाद करके चीजों को ना बिगाड़े। 11वें भाव में आपके देखिए राहु विराजमान हो गए 30 अक्टूबर से, सूर्य यहाँ पे आपके 12 दिन के लिए विराजमान रहेंगे, शुक्र आपके विराजमान हो रहे हैं 23 दिन के लिए, मंगल जो विराजमान हो रहे हैं 23 अप्रैल से और बुध जो विराजमान हो रहे हैं 9 अप्रैल से।
और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आय यानी कि इनकम का होता है, बड़े भाई बहन दोस्त पहचान के लोग कम्युनिकेशन का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके 11वें भाव में राहु विराजमान हो गए, तो आपके इनकम तो निश्चित तौर पर दिलाएंगे क्योंकि 11वें भाव में राहु इनकम के लिए अच्छे होते हैं। पर यहाँ पे आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा सा जिद बढ़ाएंगे, तो आपको यहाँ पे जिद उनका आप नोटिस कर रहे होंगे कि 30 अक्टूबर से उनका जिद बढ़ रहा है। जो लोग यहाँ पे बिजनेस करते हैं, देखिए 23 अप्रैल से मंगल आ रहे हैं आपके 11वें भाव में, तो विवाद आपको नहीं करना है, शांति से पैसा निकालें, पैसा निकालने के लिए अपने क्लाइंट के साथ विवाद में ना पड़े, सोच समझ करके बात करें और कोशिश कीजिए कि लेडीज थ्रू काम करेंगे तो आपको अच्छा फायदा होगा। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित भी कोई काम का प्रयास कर रहे थे उनके भी लाभ के योग बन रहे हैं 14 मार्च से लेकर के 12 अप्रैल तक। और यहाँ पे देखिए आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है 22 अप्रैल 2023 से, तो यहाँ पे जैसा आपका इनकम आ रहा है वैसा ही लगभग आपका खर्च हो जा रहा है, सेविंग्स करने में आपको मुश्किलें आ रही हैं, आमदनी में थोड़ी बहुत आपको अड़चनों का भी बीच बीच में सामना करना पड़ रहा होगा, आपका जितना भी पैसा आ रहा है उतना पैसा आपका खर्च हो जा रहा है। पर यहाँ पे देखिए 23 अप्रैल से जो लोग अपना बिजनेस एक्सपेंशन करने का सोच रहे हैं ना, क्योंकि देखिए आपके मंगल जो है आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में आ रहे हैं, उनके लिए 23 अप्रैल से अच्छा समय है। वे अगर एक्सपेंशन करने का सोच रहे हैं तो ये समय जो रहेगा आप पैसा लगा के पैसा कमा सकते हैं, खासकर 23 अप्रैल से। और 9 अप्रैल से 23 अप्रैल तक यहाँ पे आपके 11वें भाव में लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है, तो पैसा तो आपको निश्चित तौर पर आना है। और जो लोग विदेश संबंधित काम करते हैं उनके भी लाभ के योग बन रहे हैं 23 अप्रैल से। 12वें भाव में आपके गुरु विराजमान है, बुध विराजमान है, हालांकि बुध जी तो अप्रैल के महीना में 8 दिन के लिए ही विराजमान रहेंगे, सूर्य 13 तारीख से विराजमान हो रहे हैं और शुक्र 24 तारीख से विराजमान हो रहे हैं, और आपके 12वें भाव में शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है। देखिए 12वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके खर्च, फॉरेन, जेल, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। तो 12वें भाव में देखिए आपके गुरु विराजमान हो गए, हालांकि देखिए यहाँ पे शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो आपका खर्च आपका हो रहा है पर कहीं ना कहीं आप कम करने का प्रयास कर रहे हैं। पर यहाँ पे खासकर जब शनिदेव अस्त हुए हैं फरवरी से मार्च के महीना में, तो आपका खर्च बढ़ा होगा। यहाँ पे देखिए 13 अप्रैल से सूर्य विराजमान हो रहे हैं और 24 अप्रैल से शुक्र विराजमान हो रहे हैं। वाहन संभाल कर चलाएं, वाहन अगर आप संभाल के चलाएंगे नहीं तो यहाँ पे सरकारी दंड भरना पड़ सकता है, हो सकता है नियमों को आपको फॉलो करना है अभी फिलहाल, तो ट्रैफिक रूल्स ना तोड़ें। और यहाँ पे देखिए आपके 12वें भाव में बुध विराजमान हो रहे हैं 25 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक, तो यहाँ पे 25 मार्च से 8 अप्रैल तक आपका कम्युनिकेशन डिवाइसेस पे कुछ खर्च होगा और आपके लॉजिक आपका वीक होगा। जहां जो काम में आपको लॉजिक लगाना है आप नोटिस करेंगे कि आपको 25 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक लॉजिक वहां परफेक्ट नहीं बैठ रहा है। और जो शुक्र आपके 24 अप्रैल से विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे 24 अप्रैल से आपके स्पाउस पे आपका खर्चा बढ़ाएंगे। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का भी प्लान कर रहे हैं तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 3 से 6 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 16 से 20 तारीख, 26 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान भी खरीदना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 13 से 15 तारीख, 23 से 25 तारीख, 28 और 29 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपका नवम भाव जो है वो शनिदेव का है, तो आपको शनिदेव की पूजा तो नियम पूर्वक करनी चाहिए। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाइए, ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें, इससे आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।